Hey guys, welcome back to my new video. तो कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे. और यार आज है ना बेस की प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी. मतलब भैया को कॉल किया था मैंने, मैसेज कर दिया था वैसे तो रात में. तो भैया ने बोला यार आपने मैसेज क्यों किया. मैं मैसेज मतलब व्हाट्सएप ओपन नहीं करता हूँ, देखता नहीं हूँ. तो मुझे लगा कि यार देख लिया होगा उन्होंने. तो वो बोल रहे हैं कि बेस वगैरह तो अभी है नहीं, कि आपको अब कल ही मिलेंगे. तो कुछ बेसिस पड़े हैं मेरे पास अभी, तो बाकी अब देखते हैं. इनसे अगर आज काम चल जाता है तो ठीक है. वैसे मेरे पास मतलब मैं बैकअप के लिए रखता हूँ 7-8 पैकेट्स हैं मेरे पास मिनी वाले. तो मुझे क्योंकि यार ये ना ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर कल भी मैंने काफ़ी सारे पैकेट्स मंगाए थे तो थोड़े बचे थे. तो मुझे लगा था कि आज ऑर्डर्स आएंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा मुझे मंगाना पड़ेगा. तो अब देखते हैं. दशहरा के दिन यार इतने सारे ऑर्डर्स आए थे कि क्या बताऊं. क्योंकि मैंने ना एक ट्रिक करी थी, तो मैं देख रहा था, ऐसे देखता रहता हूं, कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं. तो मैंने वो चीज़ मतलब कि अप्लाई किया और बहुत अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्स मिला मुझे. यार मैं आप लोगों की बताऊंगा, बस थोड़ा सा मैं ये काम वगैरह कर लूँ, थोड़ा सा किचन में काम है अभी. देन जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या ट्रिक वगैरह थी, कैसे थी, कि आप लोग भी अपने ऑर्डर्स को मतलब और ज़्यादा बढ़ा पाओगे. ठीक है, फिर उससे चलो थोड़ी सी सफाई करता हूँ क्योंकि स्टार्ट भी होने वाला है क्लाउड चैन. देन फिर आ जाऊँ फटाफट से. अब जैसे ही मेरा क्लाउड चैन ओपन हुआ तो एकदम से ये ऑर्डर आ गया था मेरे पास. वैसे ये 2 मिनी पिज़्ज़ा के ऑर्डर थे, तो ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं मुझे. क्योंकि 2 मिनी पिज़्ज़ा में क्या है ना, सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो अवन है ये एकदम से उसके अंदर है ना ऊपर ही आ जाते हैं ये दोनों. क्योंकि ये मिनी है, छोटे हैं, और बाकी 8 इंचेस वाले पिज़्ज़ा तो यार एक ही आ पाते हैं, दो नहीं आ पाते हैं. अभी मैं गैस वाला भी अवन लेने का सोच रहा हूँ, बट काफ़ी सारी चीज़ें भी घर में चल रही है जिसकी वजह से मैं ले नहीं पा रहा हूँ. क्योंकि गैस वाला अवन यार मैं 2 चीज़ों की वजह से ले रहा हूँ. पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं होता है, गैस अवन होता है. लाइट जाएगी भी तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने ऑर्डर्स वगैरह बनाता रहूँगा. बट इसमें क्या होता है ना, जो लाइट वाला अवन वगैरह होते हैं इनमें क्या होता है कि लाइट अगर चली जाती है तो बहुत इशू होता है यार. फिर मतलब इन्वर्टर भी है ठीक है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होती है. तो मैं सोच रहा हूँ कि गैस वाला ले लेता हूँ और कमर्शियल वाला लेने का सोच रहा हूँ, ताकि मैं उसमें काफ़ी सारे पिज़्ज़ा बना पाऊँगा एक टाइम में. क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैंने ये भी सोचा है कि थोड़ा सा स्पेस वगैरह लेने वाला हूँ मैं रेंट पे, और वहाँ पे थोड़ा छोटा सा कैफ़े टाइप का या रेस्टोरेंट टाइप का ओपन करना चाहता हूँ मैं. एक थीम वाला सोचा है मैंने, तो देखते हैं. इसलिए मैं कमर्शियल वाला ले रहा हूँ ताकि ये बाद में आगे काम ही आएगा मुझे. क्योंकि यार देखो जैसे जैसे बिजनेस में ग्रोथ होती है उसी हिसाब से आपको हर एक चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. आप लोगों को ये तो बताया कि जो क्लाउड चैन होता है उसमें कोई भी डाइनिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, सिर्फ यहाँ से डिलीवरी होती है. बट मेरे घर पे आज शाम को ना कुछ बच्चे आए थे, तो उनको पता नहीं थी ये चीज़. तो किसी ने बताया होगा कि यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह मिलता है, तो वो पूछ रहे थे मुझसे कि मिल जाएगा पिज़्ज़ा. तो मैंने बोला हाँ मिल जाएगा. तो कह रहे हैं कि अंदर बैठ सकते हैं, तो मैंने बोला अंदर बैठने का तो कोई नहीं है यहाँ पे. बट मुझे लगा यार कोई नहीं, बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं है. तो मैंने उन्होंने अंदर बिठा दिया. फिर उन्होंने मुझसे बोला कि एक चीज़ पिज़्ज़ा आप बना दो. तो उन्होंने पूछा, मैंने 100 रुपीज़ का उनको बता दिया कि 100 रुपीज़ का मेरा चीज़ पिज़्ज़ा है. तो उन्होंने बोला ठीक है. तो ये वाला पिज़्ज़ा मैंने उनके लिए बनाया था, तो दिखने में इतना बढ़िया लग रहा था, चीज़ ही बनाया बिल्कुल मैंने, और बहुत अच्छा लगा. फिर बच्चों का मैंने फीडबैक भी लिया. कैसा लगा खा के तुम्हें? अच्छा है. 200 का देता है वो, इतना बड़ा पिज़्ज़ा. इससे भी छोटा 200 का देता है वो. अच्छा, क्या हुआ था यार कि मैंने दिन में थोड़ा क्लाउड चैन ऑफ कर दिया था, क्योंकि पता नहीं एकदम से छींक छींक सी आ गई थी और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था मुझे. फिर मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से ये क्या हो गया. क्योंकि आप देख रहे होंगे मॉर्निंग मैंने आपसे बात की थी, देन अभी मैं जाके आपसे बात कर रहा हूँ, रात का टाइम हो रहा है ये. अभी तो फिलहाल तो मैंने सारे ऑर्डर्स को निपटा दिया है, और पता नहीं एकदम से दर्द क्या हो गया था, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था यहाँ पे. और अजीब सा लगता था कि कुछ मतलब कोल्ड कोल्ड सा लगता है बॉडी में, कुछ मतलब जान से नहीं लग रही थी, अजीब सा लग रहा था, फीवर सीवर सा लग रहा था. तो थोड़ी देर के लिए मैंने किचन को ऑफ कर दिया था, देन अभी थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ मैं. कह रहे ऑफर को रन किया था जिसकी वजह से मेरे पास काफ़ी सारे मतलब ऑर्डर्स आ गए थे उस टाइम. मतलब ये लगा यार एक घंटे में इतने सारे ऑर्डर्स आ ही रहे थे, और कुछ ऐसे भी ऑर्डर्स थे जिसमें वीडियोस नहीं बना पाया था. तो मैं आपको फटाफट से पहले ये दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन सा ऑफर रन किया था. आप लोग भी वो ऑफर एक बार चला के देख लेना क्या होता है. हो सकता है कि यार एकदम से कुछ ज़्यादा बूस्ट हो जाए और एकदम से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, चलो फटाफट से लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर मोबाइल की, और दिखाता हूँ जोमेटो पार्टनर में आपको किस तरीके से वो ऑफर को रन करना है. मैं ना यार हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि मतलब कैसे ऑर्डर्स वगैरह आएंगे. तो उस दिन वो दशहरा का कुछ मतलब टाइम था, तो शाम के 6 बज रहे होंगे. तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे जोमेटो पार्टनर ऐप ओपन किया और यहाँ पे जो बिजनेस का ऑप्शन आता है इस पर क्लिक किया. देन जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे आता है सबसे नीचे क्रिएट ऑफर्स एंड डिस्काउंट, इस पर क्लिक किया था मैंने. एंड उसके बाद मैंने नीचे क्लिक किया था अब यहाँ पे ना आपको अलग अलग मतलब ऑफर्स वगैरह आएंगे. तो इसमें से मैंने सेकंड लास्ट वाला किया था डिलाइट योर कस्टमर्स पे, तो इस पर मैंने क्लिक करके. और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, मतलब आते रहते हैं काफ़ी सारे. अगर आपको कोई प्रोमो कोड वगैरह लगाना चाहिए, फ्रीबीज है, तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक मतलब कि जो आइटम होता है वो फ्री दे सकते हैं. जैसे होता है ना कि अगर आप 2 आइटम लेते हैं तो उस 2 के साथ एक कोई भी आप आइटम आपने रख दिया है कि आपको चॉकलेट या कोई भी चीज़ आप फ्री देना चाहते हैं उस पर.
उसके बाद परसेंटेज डिस्काउंट होता है, तो ये सारा मैंने कोई भी रन नहीं किया था। मैंने किया था सबसे लास्ट वाला बोगो वाला। तो इसमें क्या किया था मैंने, सबसे पहले यहाँ पे मैं गया, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, बाय वन गेट वन। अब क्या होगा कि भाई कस्टमर्स को ना एक का मतलब एक कोई पिज़्ज़ा ले रहा है कस्टमर, तो उसके बाद एक और पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। तो मैं ऐसे देख रहा था, मैं सोच रहा था कि देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, ऐसे ही कुछ ना कुछ करता रहता हूँ मैं एक्सपेरिमेंट, ताकि आप लोग भी बताऊँ। क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, आपको भी समझ नहीं आएगी चीज़ें कि भाई ये चलेगी कि नहीं चलेगी। देन उसके बाद सेकंड वाले मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया और जितने मिनी पिज़्ज़ा थे मैंने यहाँ पे टिक मार दिया कि भाई मैं सारे के सारे मिनी पिज़्ज़ा पे अपने ये वाले ऑफर को रन करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने कन्फर्म कर दिया यहाँ पे। देन नीचे आया तो मैंने ये कर दिया ऑल कस्टमर्स पे। ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास न्यू कस्टमर आएगा और कोई रिपीटेड अगर कस्टमर है तो उसको ये ऑफर नहीं मिलेगा, मैंने सारे कस्टमर्स के लिए कर दिया था। उसके बाद नीचे गया और डेट आया था, तो डेट तो मैंने उसी दिन की डाल दी थी। देन उसके बाद यहाँ पे आया कि आपका टारगेट मील टाइम क्या होगा, तो मैंने इसमें ऑल मील टाइम कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं ब्रेकफास्ट, लंच या फिर स्नैक्स, डिनर में देना चाहता हूँ, मैंने ये कर दिया कि ऑल टाइम, मतलब मेरा आउटलेट जब मतलब पूरा 12 बजे से लेके 11:30 बजे तक ओपन रहेगा, तो उसके लिए मैंने इस पर कर दिया और यहाँ से अप्लाई कर दिया था मैंने। और उसके बाद भाई प्रीव्यू ऑफर पे जाके मैंने उसको जब रन किया है डिस्काउंट को, तो उसके एक घंटे बाद इतने सारे मतलब ऑर्डर्स आए हैं मेरे पास, तो क्या बताऊँ कि मतलब हर 10 मिनट के बाद मेरे पास एक ऑर्डर ही आ रहे थे। किसी में 2 पिज़्ज़ा थे, किसी में 3 पिज़्ज़ा थे, किसी में 1 पिज़्ज़ा था, तो मतलब ऐसे काफ़ी सारे मतलब ऑर्डर्स मेरे पास आए हैं और बहुत अच्छा मतलब मुझे इससे बेनिफिट मिला। तो मुझे लगा यार बढ़िया है ये, तो फिर मैंने हटा दिया था बोगो ऑफर, क्योंकि यार मुझसे तो देखो मतलब कि बिल्कुल भी मैनेज हो नहीं रहा था, क्योंकि एक पिज़्ज़ा मतलब पूरा स्लैब ऐसे भर जा रहा था, पूरा पिज़्ज़ा और मेरे साथ कोई खा भी नहीं कि हेल्प कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा देखो यार स्पेस भी होना चाहिए चीज़ों के लिए। और मेरा ओवन भी उतना मतलब हाईफाई वाला नहीं है कि एकदम से उसमें 10-10 पिज़्ज़ा बन जाए या 5 पिज़्ज़ा बन जाए, मुश्किल से उसमें अगर मिनी पिज़्ज़ा हैं तो 4 बनते हैं और बड़े वाले होते हैं तो 2 ही बनते हैं, तो फिर इसलिए हो नहीं पाया था वो। तो फिर मैंने मतलब हटा ही दिया था उसको बोगो ऑफर को, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि क्या होता है। बट नॉर्मली भी मेरे पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आते रहते हैं, बट जो उस टाइम हुआ था वो कुछ अलग हुआ था बोगो ऑफर रन करने के बाद। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला ऑफर, तो आप लोग भी ये रन कर सकते हो। आप लोग देखो कि यार अगर आपके यहाँ चलता है ये ऑफर, इससे क्या होता है ना कि जो आपका आउटलेट है वो काफ़ी ऊपर आपको शो करेगा। बोगो ऑफर बहुत ही कम मतलब रेस्टोरेंट वाले लगाते हैं, ये तो वैसे जोमेटो बोलता है लगाने के लिए, बट इसमें क्या होता है कि अगर आप लगाते हो उसको तो आपको है ना इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपका जो आउटलेट है वो जो सबसे नीचे शो कर रहा है, हो सकता है वो ऊपर शो करे, ठीक है। कि आप लोग ये ऑफर रन करके देखना, हो सकता है कि आपके भी यार बहुत अच्छे ऑर्डर्स वगैरह आ गए इससे। बाकी अभी तो मेरी मतलब ऐसी शक्ल लग रही है कि मतलब कि बहुत मतलब तबियत तो वैसे मेरी खराब ही है अभी। बाकी चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है तो यहाँ भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है तो वो भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके टाटा बाय।